फाइनली बहुत ही लंबे इंतजार के बाद OnePlus ने अपने OnePlus 8 सीरीज को ग्लोबली लॉन्च कर चुका है, लेकिन भाई ड्यू टू लॉकडाउन ये जो लॉन्च इवेंट था वो ऑफलाइन लॉन्च इवेंट नहीं था, यहाँ पर ऑनलाइन लॉन्च इवेंट किया गया जहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, जहाँ पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिले हैं, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro। तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OnePlus 8 और 8 Pro के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और साथ में बताने वाले हैं दोनों ही फोन्स की प्राइस इंडिया के अंदर क्या होने वाली है। बिकॉज आपको तो पता ही है इसकी जो प्राइस आई है बहुत ही हाई आई है बाहर, लेकिन भाई इंडिया के अंदर एक्चुअल प्राइस क्या होने वाली है, तो उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। हे गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेकल पर शिवम YouTube चैनल। तो वीडियो को करें स्टार्ट, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर लेना लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की, वो है OnePlus 8। तो गाइस यहां पर आपको 6.5 इंच की एक फुल एचडी प्लस फ्लूएड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और गाइस अगर हम बात करें OnePlus 8 Pro के बारे में, तो यहां पर आपको 6.78 इंच की क्वाड एचडी प्लस फ्लूएड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और गाइस अगर हम बात करें स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में, मतलब OnePlus 8 और 8 Pro दोनों ही स्मार्टफोन के लेफ्ट साइड में आपको ऊपर के साइड सिंगल पंच होल कटआउट के साथ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन्स के अंदर सेम देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले है वो कर्व एमोलेड है, मतलब यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा और डिस्प्ले कर्व होने के कारण कमाल का देखने को लगता है। और गाइस अगर हम बात करें दोनों ही फोन्स के कैमरास के बारे में, तो वो भी कमाल के हैं, लेकिन गाइस OnePlus 8 के अंदर आपको ओनली ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोस के अंदर बता रखी है। तो यहां पर जो आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 का मिलता है, साथ में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें OnePlus 8 Pro के कैमरा के बारे में, तो यहां पर आपको क्वाड कैमरा यानी पीछे के साइड कुल 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जहां पर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX689 का न्यू सेंसर देखने को मिलता है, साथ में दूसरा लेंस भी आपको 48 मेगापिक्सल वाला ही मिल जाता है वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और लास्ट में आपको 5 मेगापिक्सल का एक कलर फिल्टर लेंस मिल जाता है OnePlus 8 Pro के अंदर। तो आप बोलोगे ये कलर फिल्टर लेंस क्या करता है, तो गाइस आपको बता दूं यहां पर जो फोटोज होती हैं उनको काफी अच्छे से एडिट करने का काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर की मदद से ये काफी अच्छे से कलर वगैरह बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है। साथ में इन दोनों ही फोन्स मतलब OnePlus 8 और 8 Pro के अंदर जो फीचर्स मिल जाते हैं कैमरा के अंदर सेम मिल जाते हैं, OIS EIS का HDR 10 Plus का सर्टिफिकेशन भी दोनों फोन्स के अंदर मिल जाता है, Wi-Fi 6 NFC एंड ब्लूटूथ 5.0 जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इन दोनों ही फोन्स में। और साथ में इन दोनों ही फोन्स के अंदर कमाल के ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए आपको स्टूडियो स्पीकर के साथ Dolby Atmos का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो इवन ये फोन साउंड को लेकर या फिर कैमरा फीचर को लेकर वाकई में कमाल की है। 8K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो वीडियो की क्वालिटी है ना वाकई में कमाल की देखने को मिली है। साथ में अगर हम बात करें इन दोनों ही फोन्स के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, तो गाइस वो है इनका प्रोसेसर। जी हां गाइस, यहां पर आपको पता ही होगा कि दोनों ही फोन्स के अंदर सेम प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 865 का 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट देखने को मिलता है, और दोनों ही फोन सेम चिपसेट के साथ आते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत सेम देखने को मिलेगी, लेकिन गाइस जो अंतर देखने को मिलता है वो है इनके रैम वेरिएंट के अंदर। जी हां गाइस, OnePlus 8 के अंदर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, मतलब कि एक वर्जन थोड़ी सी पुरानी देखने को मिलती है। हालांकि रैम की बात करें तो 8GB 128GB और 12GB 256GB रैम ऑप्शन देखने को मिलता है OnePlus 8 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें OnePlus 8 Pro के बारे में, तो यहां पर जो आपको रैम देखने को मिलती है LPDDR5 रैम सपोर्ट मिलता है, जो कि लेटेस्ट रैम टेक्नोलॉजी है, और 12GB 256GB रैम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ में इन दोनों ही फोन्स के अंदर UFS 3.0 स्टोरेज बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों ही फोन सेम होने वाले हैं और कमाल की स्पीड आपको दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। और गाइस अगर हमने परफॉर्मेंस की बात की, स्पीड की बात की, तो हम दोनों ही फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। OnePlus 8 और 8 Pro दोनों ही स्मार्टफोन ऑक्सीजन OS के साथ एंड्रॉइड 10 बेस्ड आते हैं, तो गाइस अगर हम बात करें ऑक्सीजन OS के बारे में, तो आपको तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन OS जो UI है काफी ज्यादा फास्ट माना जाता है, और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई भी UI इससे फेल करने वाला है। साथ में अगर हम बात करें दोनों ही फोन्स के अंदर बैटरी के बारे में, चार्जिंग के बारे में, तो कमाल की देखने को मिल जाती है। गाइस अगर हम बात करें OnePlus 8 के अंदर, तो यहां पर आपको 4300mAh यानी 4300mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में 13W का रैप चार्जिंग देखने को मिलता है यानी वायर चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और OnePlus 8 के अंदर कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है चार्जिंग को लेकर, जिसको लेकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हूं इस प्राइस को लेकर। और साथ में अगर हम बात करें OnePlus 8 Pro के अंदर, तो यहां पर आपको 4510mAh यानी 4510mAh बैटरी के साथ 30W के रैप चार्जिंग के साथ 30W का वायरलेस चार्जिंग और साथ में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो मैं कहूंगा OnePlus 8 Pro जो है चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर और बैटरी को लेकर काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आया है। साथ में अगर हम फाइनली बात कर लें दोनों ही फोन्स की प्राइस के बारे में, तो गाइस आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि इसकी जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर अभी कंफर्म नहीं आई है, लेकिन मैं आपको प्राइसिंग बताने वाला हूं। जी हां, कैसे? तो गाइस US में जो इसकी प्राइस निकल कर आई है 8GB 128GB की OnePlus 8 की, वो है गाइस $699। तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें इंडियन रुपीज में, तो वो होती है ₹53,000, मतलब ₹15,000। और साथ में अगर हम बात करें इसी के 12GB 256GB रैम वेरियंट की, तो
इंप्रूव हो जाती है। सेम इन 99 US डॉलर, तो गाइस अगर हम बात करें इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर निकल कर आता है 60,000 रुपये के करीब। और वहीं पर अगर हम बात करें वन प्लस 8 प्रो के प्राइस के बारे में, तो गाइस अगर 8GB 128GB प्राइस की बात करें यूएस के अंदर, तो वो हो जाती है 899 US डॉलर। अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें इंडियन रुपीज में तो करीब 68,000 यानी 68,000 रुपये के करीब देखने को मिलती है। 12GB 256GB रैम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 999 US डॉलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब 75,000 के करीब ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो फाइनली अगर हम दोनों ही फोन्स की बेस वेरिएंट की प्राइस को देख ले, यानी 8GB रैम 128GB स्टोरेज की, तो OnePlus 8 की जो प्राइस मिलती है वो 50,000 के करीब आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि कम और ज्यादा हो सकता है क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया के अंदर जो जीएसटी वाली प्रॉब्लम है, यानी जीएसटी अब बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 50,000 के अंदर OnePlus 8 अपने बेस वेरिएंट के साथ आएगा। साथ में OnePlus 8 Pro की बात करें तो अपने 8GB 128GB रैम ऑप्शन के साथ आपको 60,000 के अंदर इसका बेस वेरिएंट लगभग देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें कि इन दोनों ही फोन्स इंडिया के अंदर कब आएंगे, तो भाई 29 अप्रैल को इंडिया के अंदर सेल पर आ जाएंगे, तब इनकी कंफर्म प्राइस पता चलेगी। और इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा प्राइस और अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा मेरे चैनल पे। और फाइनली यही रही इन दोनों ही स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस और एक्सपेक्टेड प्राइस। तो वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्यूचर में ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे एट होम, घर में रहिए, बिल्कुल सुरक्षित रहिए।